डीटीएस एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पर क्लिक जरूर करें। आज हमारे पास में एक वीडियोकॉन 14 इंच की कलर टीवी का विजन है। ये राष्ट्र के अंदर जो भी इसके सिम दिख रही है, ये इस टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम है। ये देख के जो ये मार्क किया मैंने, इस टाइप की ये राष्ट्र दिखता है इसके अंदर। ये देखो एकदम शार्प राष्ट्र में प्रॉब्लम है, वीडियो दिखने में समस्या है इसके अंदर। ये देखो ये एकदम शार्प प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें पावर सप्लाई में की प्राइमरी में है या सेकेंडरी में फॉल्ट है मेरे हिसाब से, तो भी इसकी जानकारी किट चेक करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज है। बिजली का काम करते वक्त सावधानी जरूर बरतें। ये 110 की सप्लाई है। ये 8 वोल्ट है। ये सप्लाई शायद यहाँ फिल्टर का समस्या हो सकती है। 18 वोल्ट है, यहाँ पे फिल्टर की समस्या है। सर एक बार इसको निकाल के चेक कर लेते हैं, फिर पता लगेगा कि क्या है इसके अंदर। इसको सावधानी पूर्वक निकालना है, इसकी प्रिंट ख़राब नहीं होए। निकालते वक्त पूरा सावधानी बरतें ताकि किट में प्रॉब्लम नहीं होए। इसमें 135 का कैपेसिटर लगा हुआ था, जिसके जगह दूसरा कैपेसिटर लगा के चेक करेंगे ताकि यह समस्या है कि दूसरा कोई और नहीं है। ये 27 वोल्ट की जो वर्टिकल की सप्लाई है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। वर्टिकल की सप्लाई के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसका फिल्टर शायद इसका मिस्टेक है। ये मैं बाहर से लगा के देखता हूँ तो ये सही हो रहा है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही इसकी जानकारी मिल सके। क्या वीडियो अधूरा देखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। साथ में सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें और घंटी पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक सबसे पहले अपडेट पहुँचे। एक बार इसको कैपेसिटर लगा के चेक कर लिया है, सही है वो। ये कैपेसिटर सही तरीके से फिट कर लेते हैं।
ये कैपेसिटर 135 या 63 होगा तो भी चलेगा, 35 हो तो 35 लगा देना, अगर 63 हो आपके पास में तो 163 लगा देना। मेरी दुकान के पास में से यह सड़क गुजरती है, इसके लिए दूसरी नॉइज ज़्यादा आ रही है, इसको इग्नोर करें। ये कैपेसिटर मैंने दूसरा लगाया है, ये 110 के पावर सप्लाई पे लगा हुआ है, ये वर्टिकल है वापस। ये वीडियोकॉन की कलर टीवी का किट है, ये 14 इंच का मॉडल है, इसमें मैं CRT बेस्ड और ये दूसरा लगाया है, इसका ख़राब हो गया था। एक बार चालू करके इसको चेक कर लेते हैं जिसमें हो गया है, ये देखो कंप्लीट है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट हो गई है। आप भी अपनी टीवी को अगर ख़राब हुई हो तो आप भी इसे सॉल्व कर सकते हो। साथ में आप सभी इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, वो घंटी पर क्लिक करें ताकि नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद आप सभी को।